नमस्कार व्यूवर्स, वेलकम बैक टू केकेएसपी व्लॉग्स। आई होप आपकी मुस्कान की चमकान बरकरार होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेदर कैसा रहने वाला है मॉनसून में शिमला, मनाली और पूरे हिमाचल का। तो देखिए, वेदर की बात करें तो आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है। जुलाई स्टार्टिंग से ही बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत तेज़ बारिशें हो रही है, रोड बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। तो अगर आप आना चाहते हैं हिमाचल, तो मुझे लगता है कि आपको जुलाई और अगस्त में अपना प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में कोशिश करें कि ट्रैवल ना करें बारिशों के दौरान। फिर भी अगर आप आना चाहते हैं तो वेदर एक दो दिन पहले ज़रूर चेकआउट करें और कोशिश करें कि ऐसे इलाकों में मत ठहरें जहां पर ज़्यादा बारिशें हो। बारिश के दौरान ट्रैवल ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा और हम सब के लिए बेहतर होगा। नो डाउट हिमाचल पूरे मानसून में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं सोलन, शिमला, मनाली के। लेकिन इन नज़ारों का आनंद अगर आप उठाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगस्त के बाद ही आप आएँ। सितंबर फर्स्ट वीक में आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त आपके लिए ज़रा भी सेफ नहीं है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिमाचल इन मॉनसून के ऊपर। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं। फिर भी अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टा हैंडल है official_KKSP। मिलेंगे बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ ना आपको नज़ारे दिखाने के लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।